ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। बोलो शिशिमानंदमय की जय। जय माय एवरीवन। टुडे आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट लाइक अ स्टर फ्राई, सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इनोवेशन व्हिच आई हैव थॉट ऑफ and it will be very interesting. So in this I have taken rice noodles, you know, pad thai rice noodles. This is what I have taken. And how do you boil this? That is what I want to show you over here. You have to first heat a lot of water, and when it comes to a boil, you switch off the gas. Uske baad ye jo thai noodles jo hai na, rice noodles they are basically, because it's got a lot of starch. So don't boil it, just in hot water you throw the thing after you switch off the gas. Gas band karne ke baad wo sare noodles dal dijiye jitne chahiye aapko, and let it cook inside in the hot water for about it's 15 minutes now since I have put it in. I'm just going to show it to you. I think 20-25 minute mein ho jayega soft, and immediately aapko drain kar dena hai pani aur chhalni mein rehne do, leave it in the strainer. So that's what I'm trying to show you, what I have done. And then I will proceed further of what has to be done. Okay? See, these are the rice noodles. You have to put it in hot water like this for about 20 minutes. You can't boil it just now because boil karne se kya wo gummy ho jayega, chipak jayega. So don't do that. Leave it in the water, in the hot water. So these are those rice noodles. Okay? Okay. Now we are straining it. Aise pura nikal dijiye usme. काढ़ी ले माथी एंड देन पिक इट अप. हाँ, उठाओ और यहाँ रख दो. पानी निकलना चाहिए ना, तो नीचे वो रखो. दैट्स इट. नाउ लीव इट हियर. नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई शो यू स्टेप बाय स्टेप. पहले तो नूडल करके तैयार रखो आप, उसके बाद पनीर को सौते करना है. पनीर के टुकड़े बना के मैंने रखे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको. ये जो पैन है वो ऑन करिए गैस के. उसके बाद थोड़ा ऑलिव ऑयल डालिए. अगेन डोरबेल, एवरी डे सेम प्रॉब्लम. यू हैव टू गेट यूज टू इट नाउ. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसको थोड़ा गर्म होने दीजिए. सी, ये पनीर मैंने काट के रखा है. कैसे भी आप काट सकते हैं, स्ट्रिप्स में. यू कैन मेक इट इनटू स्ट्रिप्स, क्यूब्स, फ्लैट, बट दे हैव टू बी फ्लैट एंड लिटिल थिक लाइक दिस. देन व्हाट यू डू इज वंस दिस गेट्स हीटेड, पुट ऑल योर पनीर ओवर हियर. सी, एंड आई एम पुटिंग द फ्लेम ऑन स्लो बिकॉज आई एम अरेंजिंग स्टिल. छोटा बड़ा कैसे भी काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद थोड़ा सा सीजन करिए विद सॉल्ट, पेपर एंड चिली फ्लेक्स. ये देखिए, स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट ऑल ओवर. Then pepper, black pepper. एक एक मिनट दोनों तरफ सौते करिए like this. उसके बाद टेक सम चिली फ्लेक्स. स्प्रिंकल. उसके बाद इसको, ये जब थोड़ा हो जाए, ऑल यू डू इज फ्लिप. अभी हुआ नहीं है.
see, go on flipping like this, one side and the next side. और एक बार हो जाए तो यू टेक इट आउट. It's hot. That's it. Take it out like this in a bowl. Keep all your pieces like this ready. You see, इसमें सब कुछ ready पहले से होना चाहिए. How much pour करी थे? Drop it like that. It's okay. Yeah. Now we have to keep the sauce ready. Okay, for the stir fry. तो क्या करना है, आप कॉर्नफ्लावर लीजिए एक चम्मच जितना, बड़ा चम्मच है, छोटा नहीं. दिस इज अ टी स्पून, सो आई एम टेकिंग मोर. ये हुआ. उसके बाद चम्मच लीजिए और एक कप जितना पानी डालिए. स्टर इट नाइसली एंड मिक्स इट नाइसली. उसको घोल बनाइए. वी आर मेकिंग द स्लरी अगेन बेसिकली. ओके, ये डाला, थोड़ा और डालती हूँ. आई हैव टेकन हाफ अ कप, देन आई सी इफ आई नीड मोर. देन दिस इज प्लम सॉस. यू टेक प्लम सॉस एंड पुट अ लॉट ऑफ प्लम सॉस. दिस प्लम सॉस टेस्ट वेरी गुड. इफ यू डोंट गेट प्लम सॉस, वॉट यू कैन डू इज हॉइसिन सॉस है, पर उसमें गार्लिक अनियन सब होता है, इसलिए मैं यूज नहीं करती हूँ. तो आपको क्या करना है, अगर प्लम नहीं मिला तो बीन सॉस भी आप ले सकते हैं, ब्लैक बीन सॉस. वो भी नहीं मिला तो टमाटो केचप घर में होगा, उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए और मिक्स करिए. पुट सम शुगर इन टू योर टमाटो केचप एंड मिक्स इट, एंड दैट यू कैन यूज, दैट इज ऑल्सो फाइन. नाउ दिस इज राइस विनेगर. ओके, विच यू टेक 1 टेबल स्पून. टेक्स लॉन्ग, मैं ऐसे ही डालती हूँ. दैट्स इट, 1 टेबल स्पून. ओके, एंड टेक डार्क सोया सॉस, दैट इज 2 टेबल स्पून. 1, 2, और गिरा एंड स्टर. सो दिस मेक्स द सॉस रेडी. नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी स्टार्ट कुकिंग. भारती आ गई है इसलिए वो अभी कैमरा ऑपरेट कर रही है तो मुझे शांति है. अभी यू नो दिस स्पेशल चिली ऑयल दैट आई टोल्ड यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, उसमें मैं बनाऊंगी चिली ऑयल और आपको एक्चुअली दिखाऊंगी कि कैसे घर में बनाते हैं. सो दिस इज दैट चिली ऑयल विच यू कैन स्टोर इन द फ्रिज फॉर 6 मंथ्स. पहले एक वीडियो में भी मैंने बोला था कि ऐसे चिली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो यू कैन चेक इट आउट, बट नेक्स्ट वीडियो विल हैव दिस. सो यू टेक 4 टेबल स्पून्स, दीज आर टी स्पून्स बट ये एक्चुअली 4 टेबल स्पून्स है ये चिली ऑयल. सो वो आप डाल दीजिए. इट स्मेल्स सो गुड दिस चिली ऑयल. वंस यू मेक इट इन द हाउस ना, यू वोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स. सो ये डालिए. Let it heat a little bit. Then you take your celery. Okay, throw it in. Celery, broccoli. Because ये सब कच्चा है तो इसको पकने में टाइम लगता है. So you throw all this first. And mushroom. This takes time. ये सब किया. And it's a stir fry. So you go on stirring. Till it cooks, you go on stirring. It takes, I might take about 5-10 minutes. So once it is done, I'll show you. It is cooking, it will take some time. In the meantime, this is boiled corn.
ऑयल किया है तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा पकने के लिए। और इसके साथ आप कैप्सिकम डाल दीजिए, 1 कप ऑफ कैप्सिकम विच इज लंबा लंबा काट के मैंने डाला है। ये सब चीज के मेजरमेंट्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है। सो यू नो अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी पीपल यू हैव इन द हाउस, इफ देयर आर मोर पीपल देन यू टेक मोर एवरीथिंग मोर इन क्वांटिटी एंड विल बी फाइन। सो लेट दिस कुक अ लिटिल बिट देन आई कम बैक। दिस इज काइंड ऑफ हैपनिंग। ओके, इतने में ये बेसिल लीव्स है जो मैंने तोड़ के रखा था उसको डाल दीजिए। जस्ट थ्रो द बेसिल इनसाइड, तुलसी के पान एंड स्टर। नाउ वंस दिस इज डन यू टेक योर नूडल्स जो आपने बॉइल करके रखे हैं, थ्रो इट इन। And mix it. See, it looks so good. This was one experiment I'm doing. Okay, so I'm sure it's going to be okay. We all make stir fries, but this stir fry I'm making for the first time. So I'll taste it and tell you how it is. Now once you do this, then you immediately throw your sauce in. ये सॉस जो बनाया वो डाल दीजिए और इसमें एंड स्टर एंड इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्नफ्लावर, सो कॉर्नफ्लावर को थोड़ा पका दीजिए। तो बेसिकली ये जो है वो राइस नूडल्स है एंड नाउ वी विल थ्रो द बीन स्प्राउट्स इन दिस। इट्स ऑन हाई फ्लेम। हाँ, नाउ यू थ्रो इन सम सॉल्ट फॉर सीजनिंग। थोड़ा थोड़ा सॉल्ट तो सोया और सब चीज में होता है, इसलिए थोड़ा कम डालिए। एंड देन यू टेक योर बीन स्प्राउट्स, सी द बीन स्प्राउट्स, थ्रो देम इन, बिकम्स अ होल मील, सो लॉट्स ऑफ पीपल कैन ईट एंड स्टर। Once this is done, then lastly you throw in your paneer and stir. Looks yummy, na, Bharti? It's so good. And then you switch off your gas. It's done. See? Then what you do is serve. Take some paneer ka tukda also. Take everything. All different things. Noodles also have to show. See? Yummy. So try it, comment, let me know how it turned out. Om Sahanavavatu, Sahanavbhunaktu, Sahaviryam Karvavahe, Tejasvinavaditamastu, Mavidvishavahe. ओम शांति 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 दी। बोलो शिशिमानंदमय की जय।
आज का स्टर फ्राई बहुत बढ़िया। जय माँ। सी आई एम नॉट टेस्टिंग इट जस्ट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ जस्ट टू थ्री थिंग्स आई डिड इन बिटवीन ऑफ टेस्टिंग बट इट्स नॉट मी यू नो ओनली व्हेन ये भोग चढ़ा है ना माँ को तो अभी मैं टेस्ट नहीं करूंगी। सो बाद में इफ इट इज नॉट गुड आई विल डिलीट दिस वीडियो आई वोंट शो इट टू यू इफ द वीडियो कम्स ऑन मीन्स इट्स गुड। जय माँ।